भाइयों और बहनों, अभी जो हाल में ही देश की कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बड़े सुधार किए गए हैं, उनका भी लाभ बिहार के किसानों को होगा। मंडियों से जुड़ा कानून तो यहां पहले ही खत्म कर दिया गया था, अब बिहार में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तेजी से काम होने की संभावना बनी है। अब बिहार के गांवों में, छोटे शहरों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था का और विस्तार होगा। जो नए कानून बने हैं, कृषि कानून, उससे यहां के आम, मक्का, लीची, केले की पैदावार करने वाले किसानों को बहुत मदद मिलने वाली है। नए प्रावधानों से खेत के पास ही स्टोरेज की सुविधाएं तैयार होगी। सरकार ने भी इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। इस फंड से किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओस ऋण ले सकते हैं और भंडारण की व्यवस्थाएं बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी होगा। जब फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियां यहां आएगी तो किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। साथियों, एनडीए के विरोधी दल जब किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए तो अब किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए। आजकल ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने सरकारी खरीद केंद्र बनाने और सरकारी खरीद दोनों पर बहुत जोर दिया है। जब ये लोग सरकार में थे उसकी तुलना में बिहार में ही, मैं उनकी पुरानी सरकारें और नीतीश जी की सरकार की तुलना करता हूं, बिहार में ही धान की सरकारी खरीद 4 गुना और गेहूं की सरकारी खरीद 5 गुना बढ़ी है। साथियों, इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों इन लोगों के समय में किसानों से इतना कम अनाज खरीदा जाता था, क्यों इन लोगों ने किसानों की, बिहार के किसानों की परवाह नहीं की।